मेले में जाना अक्सर कई लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के इंसानों को मेले में जाना लुभाता है। ऐसे ही एक महिला विकास बहुद्देशीय संस्था की ओर से नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जो बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आखिर इस मेले में ऐसा क्या खास है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दिशा हटवार ने। आइए डालते हैं एक नज़र। अभी अभी मेला शुरू हुआ है और रिसेंटली थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, और शाम के टाइम में तो आता ही है। ठंडी थोड़ी सी आज कम लग रही है, उसके वजह से कस्टमर आ रहे हैं। और हमारे पास जो है ये ठंडी के लिए ही भालू पैटर्न जो है वो स्वेटर, ये लेटेस्ट में चल रहा है अभी। अच्छा। तो उसके लिए जीन्स के ऊपर गर्ल्स लेती है मोस्ट ऑफ द। हम लोग डेली के लिए टी शर्ट्स वगैरह रख रहे हैं जो उनको डेली यूज़ कर सकते हैं, और प्लाजो स्कर्ट्स वगैरह जो डिफरेंट स्टाइल में है वो रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो भालू पैटर्न जो वुलन ही है उसी में। फिलहाल तो थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छी हेल्प हो रही है हमारे लिए, हमारा जो ये है इस पर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हमको अच्छा सा, तो थैंक यू सो मच। ये जो मनोरंजन के लिए जो महिला मंडल ने जो किया है यहाँ पे, वो मनोरंजन के लिए अच्छा किया है। वो सबके अन्य छोटे बड़े बच्चों के लिए एंजॉय, जो कोरोना के वजह से थोड़ा डिप्रेस में थे अब निकल गए, एंजॉय कर रहे हैं मज़ा। मैं हमको स्थानीय को बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है और आगे मिल रही है, अभी थोड़ा ठंडी की वजह से हो रही, लेकिन आगे और दिन अच्छा मिलेगा। हमारे राजस्थान का चूर्ण है पाचक डाइजेस्टिव, जिसे गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए माउथ फ्रेशनर सोप है, सुपारी का नहीं है ये पान है, माउथ फ्रेशनर पान है वैसा है, और चूर्ण के आंवले का भी प्रकार है बहुत अच्छा है डाइजेस्टिव के लिए। अभी नहीं, अभी तो पहले प्रसिद्ध अच्छा मिला, लेकिन ठंडी की वजह थोड़ा ये हो गया, लेकिन अभी और कल से परसों से प्रसिद्ध अच्छा मिलेगा और आगे अच्छा मिलेगा है आशा है। और लोगों की जो भावना है, बोलचाल है बहुत अच्छा है यहाँ पे, यानी लोग ये कर रहे पाठिंबा देऊन राहिले म्हणते मराठीमध्ये त्यांना चांगला। महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था की ओर से नागपुर मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। अब तक हमने जाना कि दुकानदारों की किस तरीके से प्रतिक्रिया थी, उनको कितना सहायता मिली इस नागपुर मेगा ट्रेड फेयर से। आइए जानते हैं ग्राहकों का क्या कहना है, क्या प्रतिसाद है उनका यहाँ पे आके, उनको कैसा लगा। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आके लगा है, मतलब कितनी खुशी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का काल हमने देखा, उसके बाद ऐसे मेले का आयोजन, माइंड रिफ्रेशमेंट हुआ, क्या बताएंगे आप। नहीं, यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सभी स्टेट्स के शॉपकीपर सभी आए हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग आज ही आए हैं पर रिस्पॉन्स भी अच्छा है यहाँ पे, और सभी कोरोना का यानी जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, सभी मास्क लगा के वगैरह है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो ठीक है। और बाकी स्टेट्स के सभी शॉपकीपर्स भी आए हैं यहाँ पे तो अच्छा है। ज्वेलरी की शॉपिंग आप कर रही थी शायद अभी, तो किस तरीके की वैरायटी वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। वैरायटी तो बहुत सारी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बहुत सारी वैरायटी। जिस तरीके से मेले की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, अब तक हमने जाना कि किस तरीके से फैमिली वाले जो साथ में आए थे, महिलाएं वगैरह थी जो यहाँ से शॉपिंग कर रही थी, अब हम एक कजन्स के ग्रुप से मिलते हैं, देखते हैं वो कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये जो फेयर का आयोजन किया गया है यहाँ पे, कितनी मस्ती की है आपने, आपको कैसा लगा है यहाँ पे आके। हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी हो गया हमारा सब, दोनों सारे झूलों पे हो गए घूम के, अभी हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं।
तो अभी शुरुआत हुई है जस्ट, और यहाँ पे सब अच्छे से नियमों का पालन भी हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, कम लोग हैं तो अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है अभी कोरोना के सिचुएशन में। अभी हमने यहाँ पे सारे ये ट्राई किए, जबकि हमारा नंबर लक थोड़ा खराब है हमारा, अभी पूरे पैसे वेस्ट हो गए हमारे, बट ठीक है अभी मिल गया है फिर भी कुछ कुछ, ये ऐसी चीजें मिली है। कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी है, बहुत सारी ज्वेलरी देखने को मिलती है, लड़कियाँ हो तो शॉपिंग ऑब्वियसली देखा भी होगा आप लोगों ने, कैसा लगा आपको ज्वेलरी वगैरह यहाँ की चीजें? बहुत अच्छी, डिजाइन वगैरह सब अच्छे है, पैटर्न सब साइज अच्छा है, ट्राई करा है हमने अभी और ट्राई करने जाना है। हाँ हाँ बचा है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो यहाँ पे लगी आप लोगों को? जॉइंट वेल बेस्ट है, बहुत मजा आया है हमें वहाँ पे, और हाँ बहुत टाइम बाद आए, सेफ है पूरा, तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा जाना कि यहाँ पे सारी चीजें जो है बहुत ही आकर्षक है, यहाँ पे झूले जो है वो भी बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही शॉपिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, और कोरोना नियमों का भी यहाँ पे पालन हो रहा है, जिसका ग्राहकों ने बहुत ही अच्छा खासा प्रतिसाद हमको यहाँ पे दिया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा रश नहीं है सबसे पहली बात, और सब अलग अलग है, यानी ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है, तो इसलिए घूमने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है, 2 साल हो गया, 2 साल में कोरोना में लोगों को घूमने को नहीं मिला, और ये तो 2 साल के बाद आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। हाँ हो रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ यहाँ पे हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे फूड वैरायटी भी बहुत है, बहुत टेस्टी भी है फूड, जो कि नहीं रहता मोस्टली, बट यहाँ पे बहुत टेस्टी है सब, और शॉपिंग के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत वेराइटीज़ है, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रैगन में वगैरह बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पालन हो रहा है, मास्क वगैरह लगाए हैं, और आपने देखा होगा बाहर ही बोर्ड लगा है, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, तो मास्क के सिवाय किसी को एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ प्रतिसाद तो बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोगों को, पब्लिक भी काफ़ी कॉपरेट कर रही है, कोरोना के इसमें बाकायदा सभी लोग जो नियम है कोरोना की नियम उसका पालन करते हुए पब्लिक बराबर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, ऐसा सभी चीज़ों का बराबर पब्लिक ये कर रही है, पब्लिक का काफ़ी कॉपरेट मिल रहा है हम लोगों को, और हम लोगों को यहाँ बिजनेस करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हम तो उषा मैडम का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जो हम लोग आज 2 साल से बेकार बैठे हुए थे लॉकडाउन के इसमें, तो उन्होंने फिर हम लोगों को दोबारा हमारा रोज़गार चालू करवा करके दोबारा इन्होंने हमें जीवन दान दिया है। हाँ नहीं हमारी तो पोजीशन ये थी कि हम लोग टोटल ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमारे उषा वर्मा जी जो है उन्होंने हमें काफ़ी यानी कि सपोर्ट किया और काफ़ी हम लोगों को ये किया है। यहाँ पे तो रोज़ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उनका भी अच्छा प्रतिसाद है हमें, और पब्लिक भी अच्छी आती है रोज़, और वो पब्लिक यानी खुश हो जाती है झूले झूल के, ये प्रोग्राम देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो मैडम बहुत अच्छे हैं, और वो जेंट्स को नहीं रखते, महिला को ही रखते हैं, तो हाँ हाँ हमको बोलते लड़के नहीं चाहिए, सिर्फ लड़कियाँ और महिलाएं चाहिए, तो उनके लिए हमें अच्छा यानी हम उनके लिए अच्छे कहते हैं, हमारा विचार उनके लिए अच्छा है। मेले तो आपने खैर बहुत सारे देखे होंगे, पर आज हम एक ऐसे मेले में आए हैं जिसकी शहर भर में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था की ओर से नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसकी शहर भर में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है नागपुर मेगा ट्रेड फेयर क्या है, और यहाँ पर खासियत क्या है, ग्राहकों का किस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है, और दुकानदारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं हमारे इस स्टोरी में, जहाँ पे बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से ग्राहकों का यहाँ पे प्रतिसाद मिल रहा है, साथ ही दुकानदारों का क्या कहना है, और कोरोना नियमों का कितना पालन हो रहा है, आइए देखते हैं। मैम यहाँ पर अभी जैसे एग्जीबिशन चल रहा है, यह एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर के थ्रू, क्लाइंट्स आ रहे हैं डेली का, अभी सैटरडे संडे अच्छा मॉब रहता है, बाकी ऑफ डे थोड़ा सा कम है। फर्स्ट टाइम हैंडीक्राफ्ट में हमने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग महालक्ष्मी डेवलपर्स, सो होप रखते हैं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिले हम लोगों को। इससे रिगार्डिंग अभी कैसे है, रिलैक्सेशन चल रहा है इसलिए उतना फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, अभी ऐसा मैं भी बिना मास्क के हूँ,
ठीक है, सो उसके बारे में बोलना थोड़ा तकलीफदायक होगा, फिर भी मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर कोविड से रिगार्डिंग। महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था की ओर से नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया था। हमने जायजा लिया, प्रतिसाद लिया, रिव्यूज लिए लोगों से कि किस तरीके से उनको लगा यहाँ पे। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे दुकानदार है, जो झूले वाले हैं, उनसे जाना कि कहीं ना कहीं उनको जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दिया है उस बारे में उनका क्या कहना है। तब हमें समझ में आई चीज़ कि उनका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है, कहीं ना कहीं लोग भी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं उनसे। और उसके बाद हमने बात की हमारे ग्राहकों से, तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे उम्र के लोग हमने यहाँ पे देखे, कहीं ना कहीं जो एंजॉय कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स के साथ आए थे, कुछ कजिन्स के साथ आए थे, तो कुछ अपने परिवार के साथ आए थे। तो कहीं ना कहीं हर कोई, हर उम्र का लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे हर जो ग्राहक है वो इसका अच्छा प्रतिसाद उन्होंने हमको दिया है। तो बहुत लोगों की ओर से जो इस तरीके से दुकानदारों का कहना है, ग्राहकों का कहना है कि ये जो मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे कोरोना के सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।